बता रहे हैं छोटा सा, दो मिनट है केवल, सभी उसके बाद आरती करवाएंगे हमारे शास्त्री जी। जीवन में धोखा मत देना किसी को, एक गांठ बांध लेना मेरी कि अगर तुम जीवन में किसी को धोखा दोगे तो धोखा खाना पड़ेगा, ऐसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? कि एक बार जब हमारे परीक्षित महाराज जी झोला लेके चले दर्शन करवे रेल स्टेशन पर खड़े भाई, ध्यान से सुनियो केवल दो मिनट की बात है। तो जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जाकर रेलगाड़ी रुकी, अब्बा में चार डिब्बा पे भज के जा सोई फोन दरवाजे में घुसवे लागू जगह में। अब परीक्षित महाराज जी को झोला पर रो खूब भारी, तो बिंदगी अब नहीं जुगाड़ बैठे कावलों से, एक डिब्बा के जोरे बीच में ठाड़े है उन्हें जोते आवाज दई, ए जा डिब्बा में सांप, ए भैया कह तो सांप की कही सो पूरा डिब्बा खा ले, लोई वाय ने लोई, कुत्ता वाय ने कुत्ता, बकस वाय ने बकस, सूट के समान सांप खा ली पूरा डिब्बा जाकर खाली। वो तो परीक्षा जी लेके अपन बेगो भीतर घुसे और उन्हें लंबी वाई सीट देगी, लंबी बाई सब बाई घरे के मूड था झोला सोई गए घरे काम करके गए सोई गए। अब सोए कितने का आंख खुली सवे चार बजे, तो वो चार बजे देखो तुमने रेलवे स्टेशन पर वो केतली लेके और हाथ में वो कुल्लड़, अब तो अगर प्लास्टिक के गिलास है वो कुल्लड़ लेके लिखा तो फिर वो आवाज देखो खिड़किया के जोरे का चाय, तो जो बात लंबी आवाज दई तो परीक्षित जी की आंख खुली, उनके लेला रेल कौन से स्टेशन पर ठा रही है, तो यहां तुम्हारा कोई रेलवे स्टेशन है जो अरे आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट पे ही चढ़े हुए और सवेरे चार बजे पूछी बात चाय बात लला रेल कहां ठा रही है, बस चाय बाने की कर रेल ठा रही है आगरा फोर्ट पे, कन्या तो तुम चढ़े ही है क्या बाबा, वो बात ना है रात काउल जी कह दी कि जा डिब्बा में सांप हुआ सो जी डिब्बा ही काट दो रेल में, ध्यान रखना अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, ठीक है। सभी प्रेम से भगवान के नाम का भजन बोलेंगे, उसके बाद शास्त्री जी आरती करवाएंगे और कल श्रीमद् भागवत में भगवान श्री राम का चरित्र सुनाएंगे और चंद्र वंश सुनाएंगे, ठीक है। चलो